गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे 24 मार्च और देख सकते हैं आप सुबह का वेदर, 8:30 हुए हैं अभी, थोड़े हल्के हल्के बादल आ गए हैं। वेदर रिपोर्ट तो दिखा रहा है कि कल की बारिश है फिर से 2 दिन और। तो ये है हमारा मौसम सुबह सुबह, भी चलते हैं, रेडी होते हैं स्कूल के लिए। आलू साबुदाना की खिचड़ी और वहाँ पे बन रहे मीठे, इनके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए मीठा साबुदाना, मेरे लिए नमकीन, क्योंकि हम दोनों का ही टेस्ट अलग है। ये मैंने साबुदाना इसमें डाल दिया है और काली मिर्च और वही ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक नहीं सॉरी रॉक सॉल्ट, और थोड़ा सा इसको हम पकने देंगे। वैसे रात को भिगोने को रखते तो ज़्यादा अच्छे से यूज हो जाते, लेकिन रात को मैं भूल गई थी, लेकिन सुबह 7:30-8 बजे के करीब ही भिगोया है। और उधर मैंने उनके लिए डाल दिया है दूध इसमें, और ये वाला बनेगा दूध वाली साबुदाना की खीर, और यहाँ मेरे लिए बनेगा ये नमकीन साबुदाना। पार्टी हो गया है और मैं जा रही हूँ स्कूल, मिलती हूँ आपको स्कूल में। मैम जा रहे हैं आगे, गुड मॉर्निंग। आज सुहानी हो गए फ्री, गॉड ब्लेस। और ये है मौसम, एक प्लेट लगती लतीफिया मेरे साथ भी है, रोज का हमारा काम। हाँ, पर आज हमारे को तनुजा मैम भी मिल गए। बच्चों की तरह हमें भी बड़ी खुशी होती है जब 4 बजे छुट्टी होती है ना, जब हम घर जाते हैं। सच में यहाँ से निकलते ही टेंशन हो जाती है कि क्या बनाए। आजकल तो हमारे फास्ट चल रहे हैं, तो फिर है ना कि है हमारे स्कूल का क्या बने। आज दोनों टेंशन में कि आज क्या बनाया, अभी तो मुझे भी नहीं पता, देखते हैं पतिदेव ने कोई प्लानिंग कर ली होगी अब तक की। आपके तो पतिदेव बना दी होगा, मुझे तो नहीं बनाया तो अभी उन्होंने भी कहा से, अभी तो वो भी 4 बजे ही आते हैं, 4 बजे ही छुट्टी होती है, वो भी 4, 4:30, 4:15 हो ही जाते हैं उनको भी। पर हाँ ये दो तो है सोचने के लिए। हाँ नहीं, ये भी है कि वो मुझसे पहले पहुँच जाते हैं ना, तो फिर तब तक वो प्लान कर ही लेते हैं कि आज क्या बनेगा। चलो फिर चलते हैं ना। आज पहुंच गई हूँ मैं घर, और ये बेचारे प्लांट्स अभी इसी के अंदर है, चल धूप में रखे थे आज, हम तो इनको भूल ही गए थे क्योंकि दरवाजे के पीछे थे, तो ये 4 अभी लगने बाकी है। बाकी की रिपोर्ट आप देख ही सकते हो, थोड़े थोड़े मुरझाने लगे हैं, अब हमें इसका समझ नहीं आया कि क्यों, थोड़ी पत्तियाँ इसकी। पहुँच गई हूँ मैं घर, देखते हैं अंदर का हाल। सारिष्ट की साइकिल चोरी के डर से अंदर ही खड़ी करी हुई है। बाकी सारिष्ट आ गए आप, क्या कर रहे हो? चलते हैं किचन में, क्या हो रहा है। हेलो, गुड इवनिंग, क्या हो रहा है, क्या बना रहे? मटर पनीर। आज आप जल्दी आ गए थे? अच्छा, गुड। तो आज पहुंची हूँ, मुझसे पहले हमारे पतिदेव पहुंच गए थे, अब बना रहे हैं मटर पनीर। तो अच्छा है आज थोड़े से जल्दी फ्री हो जाएंगे, हम दोनों के ही फास्ट चल रहे हैं। ये वो बढ़िया हैं जो मैंने कल बनाई थी, लेकिन धूप इतनी तेज़ नहीं थी कि ये एक दिन में ही सूख जाए, बस ये फंगस ना लगे इसमें, बस ख़राब ना हो। अगर कल परसों बारिश हुई तो इनका सूखना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ये प्लांट्स बहुत अच्छा लगता है इनको देखना, ये सुंदर सुंदर से फ्लावर भी तो आ रहे हैं, पता नहीं अब कितने दिन तक। ये पुदीना भी थोड़ा थोड़ा सा मुरझाने लग गया है, पता नहीं पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, इनको क्या हो रहा है। ये सारिष्ट खेल रहा है उधर बैडमिंटन, वो आज हो गया है एकेडमी, बहुत शौक है उसको, एक्टिव है बहुत ज्यादा, हर चीज में चाहता है कि हर चीज में पार्टिसिपेट करूं। ब्लैक जो टी शर्ट जो दिखाई दे रही है ये सारिष्ट है, ये करी सारिष्ट ने सर्विस, ये खेल रहा है अभी।
के प्लेयर आ गए हैं यहाँ पे, हिमांशी वर्सेस महक, दोनों में कौन अच्छा प्लेयर है? दोनों दोनों ज्यादा अच्छा प्लेयर कौन है? वाह, आप दोनों तो बहुत अच्छा सीख गए हो। 6:45 हो रहे हैं और मैंने डिनर कर लिया है, 6:30 तक मैं कर लेती हूँ। और अभी आई थी इनके साथ बाहर थोड़ी सी मस्ती करने, और ये है हमारी महक, प्यारी सी महक। महक महक क्या कर रही है यहाँ पे? मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ। और आपकी पार्टनर है हिमांशी। हिमांशी इधर आओ। ये है हमारी दूसरी प्यारी सी गुड़िया, इसका नाम है हिमांशी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? थर्ड में। और ये है? फोर्थ में। तो चलो खेलो, आप एंजॉय करो, है ना। तो मैं थोड़ी देर ऐसे ही वॉक कर रही थी यहाँ पे, 15-20 मिनट से मैं वॉक कर रही थी। अभी चलते हैं अंदर, पीहू भी आ गए। चलो आप लोग खेलो, है ना। सारिष्ठ गया था एकेडमी, वहाँ से आने के बाद चला गया है साइकिल चलाने, और हमारी पूजा सब कुछ हो गई है अंदर मंदिर में। अब वो भी नहीं खाते हैं, मैं तो खा लेती हूँ जल्दी, क्योंकि फिर मेरा फास्टिंग पीरियड शुरू हो जाता है। तो चलते हैं रूम। ये बैठे हैं यहाँ पे हीटर लगा के, क्योंकि लग रही है ठंड। कैसा बना है मटर पनीर? बहुत अच्छा है ना भैया। तो फ्रेंड्स, खाना वाना हो गया, मेरा तो बहुत पहले हो गया था। सारी शर्स के पापा ने भी खाना खा लिया, और हम देख रहे थे आज मूवी बम बम बोले, और बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही सीखने को भी बहुत कुछ है। दर्शिल की है वो मूवी, 2011 में रिलीज़ हुई है, काफ़ी पहले की है, लेकिन मैंने नहीं देखी थी। बहुत अच्छी लगी मुझे, उसमें एक भाई बहन है और एक ही जूते का पेयर वो शेयर करते हैं बच्चे, बहुत अच्छी है। और इससे हमें सीख भी मिलती है कि देखो, कुछ बच्चों के पास बहुत कम सोर्सेज होते हैं, कम कुछ भी नहीं होता है, कैसे वो समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमें भी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, जितना हमें ज़रूरत हो उतनी ही चीज़ें हमें लेनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास सच में एक पेयर ही जूते का होता है, जैसे इस मूवी में दिखाया। तो इसमें तो दोनों भाई बहन एक ही पेयर को शेयर करते हैं, क्योंकि एक का जो बहन का जो जूता है वो गुम हो जाता है। बहुत ही अच्छी मूवी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बल्कि बहुत ही सीखने को बहुत कुछ है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और जो अभी तक चैनल पे नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।